brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मौजूदा वक्त में हम सब जानते हैं कि माँ बहनों का प्यार दुलारा आपको कितना मिलता है। कहीं भी आप जाते हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लेकर लोग आ जाते हैं, आंसुओं की बौछार सी हो जाती है जब माँ बहनें आपको अपने पास देखती हैं। तो इसका इम्पैक्ट किस तरह से देख रहे हैं, और मुझे लगता है कुछ ऐसे राजनीतिक सवाल मैं जरूर करूं, क्योंकि आपके विरोधियों के बड़े सारे सवाल हैं आपके लिए। तो मैं अब आ जाती हूं, उत्तर प्रदेश में हम हैं, आपने भव्य रोड शो कर लिया है, और यूपी की 2014 में 71 सीटें हमने देखी थी, आपने जीती थी 2014 में, 62 सीटें 2019 में जीती थी। अब 2024 के लिए क्या है लक्ष्य उत्तर प्रदेश को लेकर आपका? हम 400 पार के लक्ष्य को लेकर के चल रहे हैं, और ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए, और देश इस मेरे भावना को और देश के आदेश को एक बराबर से ट्यूनिंग है जी। उत्तर प्रदेश तो खैर हमें भरपूर आशीर्वाद देगा ही देगा, हाँ। कोई कमी नहीं रहने देगा, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा यहाँ पे, खाता भी नहीं खुलेगा कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। रायबरेली से तो राहुल गांधी मैदान में है, वो मीडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण परिवार है, और मीडिया के लोग उस परिवार को बहुत संभाल भी रहे हैं, और शायद उनकी कुछ मजबूरियां रही होगी पिछले 7-8 साल में, तो वो संभाले, मुझे उसके लिए कुछ कहना नहीं है। मैं तो जमीन का आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। और ये भी कह रहे हैं आप 40 सीटों के आसपास रहेगी कांग्रेस, तो क्या दक्षिण भारत से उसका सूपड़ा साफ होने जा रहा है? मतलब राजनीतिक पंडित मैं साफ मानता हूँ कि वो वायनाड क्यों छोड़ना पड़ा, उनको क्यों भागना पड़ा, वो पराजय देख चुके हैं। और वायनाड से भागने के बाद रायबरेली आने के निर्णय के पहले उन्होंने अपनी भाषा टोन बहुत ही तीखा कर दिया है, और अनाप शनाप चीजें बोल रहे हैं, तो केरल ने उनको बहुत सबक सिखा दिया है, केरल शायद उनको पहचान गया है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा चलो भाई बड़े उदार चरित लोग हैं यहाँ के, तो उन्होंने चलाया। अब वो कहते तुम हमें दगा दे करके भाग गए थे, चलो भाई अमेठी से हार गए, एक बार भी आए थे क्या? मान ली हार गए, एक बार भी आए थे क्या? यहाँ सपा के साथ है वो, ऐसा है किसके साथ है वो? पहले भी सपा बसपा कांग्रेस तीनों निकल चुके थे, ये दो नौजवान भी पहले रील उतारते थे ट्रक पे चढ़ करके, काली बंडी पर जन जैकेट पहन करके, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इन दोनों को पहचान गई है, और उत्तर प्रदेश की जनता ये परिवारवाद को स्वीकार नहीं कर सकती है। उसने देखा है कि और एक अल्टरनेट मॉडल है जो उत्तर प्रदेश के जीवन को बदलता है, और योगी जी के नेतृत्व में ये चीजें हुई है, परिवर्तन आया है और उसका असर है। और मुझे याद है जब मेरी माँ ने मुझे कहा था ना कि ये काशी का, तो मैंने कहा माँ मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा की सरकार है, तो उनको मालूम नहीं था सपा क्या होता जी जी। लेकिन मैंने कहा ये चुनाव में हम जीतेंगे, हाँ। उसके बाद मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हमें मालूम है, तो लोगों को पता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार होना, दिल्ली में बीजेपी की सरकार होना उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तम भाग्य है।